हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे फ़ोन में जो नेविगेशन बार होता है उसका बैकग्राउंड हम शुरू से देख देख कर पक चुके होते हैं। उसे हम कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं, उसमें कुछ डिज़ाइन डालना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको अपने नेविगेशन बार को कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे खूबसूरत बनाना है, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर नेविगेशन बार जो है वो बिल्कुल अलग टाइप का दिख रहा है। यहाँ पर बैटरी परसेंटेज बता रहा है, यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में कुछ फूल पत्तियां लगी हुई है जो कि देखने में बेहद ही ऑसम लगता है। तो कुछ इसी तरह से आप अपने भी फोन में कर पाएंगे। तो कैसे करना है ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम लोग स्टार्ट। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों आप इस ट्रिक को अपने फोन में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को सबसे पहले कर देना होगा लाइक और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। इसके बगल में घंटे का आइकन आ जाएगा, तो आपको इस घंटे को दबाकर यहां से ऑल पे सेट कर देना होगा दोस्तों। और साथ ही यहाँ पर आपको एक कॉमेंट करना होगा, जैसे कि नाइस, ऑसम, या फिर यहाँ पर अपना नाम लिख देना होगा ताकि मैं जान सकूँ कि आप जो है हमारा वीडियो देखते हैं, मैं आपका जो है नाम पढ़ सकूँ। तो यहाँ पर आप कुछ भी एक कॉमेंट कर दें, मैं आप सभी का कॉमेंट पढ़ता हूँ, उसे लाइक करता हूँ और उसे हट देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये वो एप्लीकेशन है जिसे आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना होगा। तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। अब जैसे ही इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फ़ोन में, तो आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है। जस्ट यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि इस एप्लीकेशन को आपको सभी परमिशन अलाउ कर देना होगा, क्योंकि जब तक आप उस परमिशन को अलाउ नहीं देंगे तब तक ये एप्लीकेशन प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो आपको ये काम करना जरूरी है और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अपने नेविगेशन बार को कस्टमाइज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप बैटरी लेवल इंडिकेट करवाना चाहते हैं, बैटरी परसेंटेज यहाँ पर आप दिखवाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इमोजीज वगैरह भी लगा सकते हैं। देन यहाँ पर आपको म्यूजिक विजेट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे। ओवरलेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके हम जो है वो ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद सिंपली हम इसे ऑन कर लेंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है यहाँ पर जो है वो डिज़ाइंस हैं जो कि हम यहाँ पर अपने नेविगेशन बार को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि बैक आते हैं तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज अगर आप पे शो करवाना चाहते हैं तो बैटरी परसेंटेज भी यहाँ पर आप देख रहे हैं शो हो रहा है। जैसे जैसे आपका बैटरी जो है वो कम होगा वैसे वैसे यहाँ पर ये ग्रीन वाला जो है वो कम होते जाएगा। यहाँ पर अभी मेरा जो है वो 91% है बैटरी, तो यहाँ पर 91% बता रहा है। और जैसे 91% से कम होते जाएगा ये जो है वो ग्रीन वाला कम होते जाएगा। ओके, तो इसी तरह से आप जो अपने नेविगेशन बार को पूरी तरह से कस्टमाइज कर पाएंगे।